नमस्कार दोस्तों, धारा एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को प्रारंभ से ही समाज का एक महत्वपूर्ण अंग बनाना है। प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षा दी जाती है उसे प्रारंभिक शिक्षा कहा जाता है। प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद विद्यार्थी की शारीरिक क्षमता भी बढ़ जाती है। शताब्दियों पहले हमारे देश में ऋषि आश्रमों में विद्या अध्ययन के लिए जाना पड़ता था। गांव के नजदीक शिक्षण संस्थाएं नहीं होती थी। ऋषि या महात्मा लोग शिक्षा का संचालन करते थे। घर से दूर रहने के कारण विद्यार्थियों की उपस्थिति कक्षा में पूरी रहा करती थी। अनुपस्थिति का कोई बहाना नहीं बना सकता था। शिक्षक विद्यार्थियों को शिक्षा देना अपना दायित्व ही नहीं, नैतिक कर्तव्य भी समझते थे। छात्रों को अनुपस्थित रहने पर कड़ा दंड दिया जाता था। आजकल की तरह उन दिनों स्कूलों के संस्थापक, व्यवस्थापक, प्रबंधक या कर्मचारी नहीं थे जो उनका व्यवस्थापन, संस्थापन या प्रबंध संचालन करे। उन दिनों की परिस्थिति बिल्कुल भिन्न थी। एक ओर प्रशिक्षित अध्यापक एवं परीक्षित पाठ्यक्रम विद्यार्थियों के लिए नहीं थे जिनके मुताबिक उनको शिक्षा दी जा सके। दूसरी ओर अध्यापिकाएं भी नहीं थी। अध्यापन कार्य अध्यापकों के स्वविवेक पर आधारित था। उन दिनों रुपए का चलन भी नहीं था। व्यावसायिक अपना दैनिक व्यावसायिक धंधा सामान के लेन देन से ही करते थे। लोग भी आवश्यकता की मुख्य वस्तुएं ही लिया करते थे। हर एक विषय के विशेषज्ञ उन दिनों नहीं थे। परीक्षा लेने के लिए अलग से कोई परीक्षक नहीं था, न कोई परीक्षण विधि। परीक्षित पाठ्यक्रम या परीक्षा महकमा। शिक्षक का मूल्यांकन अंतिम था। छोटे झगड़ों में लोग अदालतों में मुकदमे नहीं ले जाया करते थे। रक्षा के लिए पुलिस का प्रयोग नहीं होता था। हर कोई अपनी रक्षा अपने आप करता था। आज तो हर एक चीज सरकार करती है। व्यवस्थापिका सभाओं के लिए भी चुनाव कराए जाते हैं, जिनके लिए निर्वाचिका सभा होती है, जिसका निर्वाचन निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है। निर्वाचन बालिक मताधिकार के आधार पर होता है। स्टॉप।